BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। इसको मेरे निजी सचिव श्री रानू पंडित के खिलाफ मुरसान थाने में एक झूठी FIR दर्ज की गई है। उसके बारे में मैं आपके साथ साथ हाथरस की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकरण के पीछे, इस नाटक के पीछे, इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था। एक छुटवैया नेता है जिसका परिवार पिछले 25 साल से लगातार मुझसे राजनीतिक शिकस्त पा रहा है। रामेश्वर के सामने ब्लॉक प्रमुख हारे, श्रीमती सीमा उपाध्याय के सामने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हारे और मेरे सामने 2 बार विधायक का चुनाव हारे। और अब भी जितने भी चुनाव होते हैं उन सब में मेरा विरोध वो करते हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जो श्री महेश जी हैं दर्शना गांव के, उनके साथ दुर्वी संधि की, षड्यंत्र रचा और चिराग उपाध्याय को बराबर फोन किए, महेश ने किए कि भाई हमारी मदद करो, हमारे घर आ जाओ, हमें देख जाओ। तो 2 तारीख को चिराग उपाध्याय का मेरे पास फोन आता है कि पापा मैं दर्शना गांव जाना चाहता हूं, वहां 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। चूंकि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं था, हालांकि मैं लगातार कई दिन से हाथरस में रह रहा हूं, उसके बावजूद भी मुझे इस प्रकरण का पता नहीं चल पाया था। तो मैंने चिराग उपाध्याय को कहा, मैंने कि तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अभी रामेश्वर उपाध्याय से मालूम करता हूँ। मैंने रामेश्वर उपाध्याय से बात की तो पता चला कि जो श्री महेश जी हैं जिनकी उम्र लगभग 27-28 साल होगी ज़्यादा, ये ज़रा बताएं कहाँ गए ACP शर्मा जी, इतने यही ना, इनके बिल्कुल पड़ोसी हैं वो। महेश जी ने लगातार जब फोन किए इनको, तो इन्होंने इंस्पेक्टर मुरसान को, श्री शिव कुमार जी को फोन भी किया और ये कहा कि भाई इसमें कार्रवाई करो, जैसा कि चिराग उपाध्याय ने मुझे बताया है। लेकिन जब इन्होंने कहा मैं गांव जाऊंगा, तो मैंने इनसे कहा कि मैं गांव तो मैं हो आता हूं, तुम मत जाओ। मुझे कुछ डाउट हुआ, कोई मुझे पता नहीं है, मुझे आदमी नहीं बुला रहा है, इनको क्यों बुला रहा है, मुझे कुछ डाउट हुआ, शक हुआ और रामेश्वर से मैंने पूछताछ की
तो रामेश्वर ने बताया कि गांव के लोगों ने बताया है कि वो आदमी जो महेश है वो झगड़ालू किस्म का है और अक्सर उसकी लोगों से झगड़ा होता रहता है और इन मुस्लिम समाज के लोगों से भी उसका झगड़ा कई बार हो चुका है। ये वहाँ के लोग बैठे हैं, उसी गांव के लोग बैठे हैं, उसी पंचायत के लोग बैठे हैं, ये बता देंगे आपको, इनसे पूछना, मेरी बात को सच मत मानना आप। तो मैंने कि फिर भी मुझे इनके सीपी शर्मा जी बैठे हैं, इनकी भाभी शायद लगती है, चाची थी, इनकी चाची का देहांत हो गया था, निधन हो गया था, तो उसमें मुझे शोक प्रकट करने भी जाना था, तो मैंने भी शोक प्रकट कर आऊँगा और उससे परिवार से मिल आऊँगा। मैं सुख महेश जी का घर सड़क पर ही है और अवधेश का भी घर सड़क पर ही है, सीपी शर्मा जी साहब का भी घर सड़क पर ही है। मैं जाकर गाड़ी वहीं खड़ी की हमने और मैं उनके घर गया। घर जाने के बाद मैंने उनसे हालचाल पूछा, कैसे झगड़ा हो गया ये बात की। फिर उन्होंने बताया था हमारी माताजी के भी बहुत चोट आई है। तो मैंने माताजी कहाँ हैं कि बोले अंदर कमरे में हैं। मैं उनकी माताजी को भी देखा, उसके फोटोग्राफ्स शायद मैं आपको अभी दिखा दूँगा, उनके फोटोग्राफ्स भी मैं अभी दिखाऊँगा। उसके बाद मैं बाहर आया और मैंने इसे पूछा, मैं झगड़ा कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। बोले साहब वो लाइन पल्ली पार वो मंदिर है वहाँ पर झगड़ा हुआ था। फिर मैं वहाँ गया, वहाँ जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक 75 साल की या 80 साल की महिला जो बुजुर्ग थी काफ़ी, वो खड़ी हुई थी। वो मेरे पास तक चल के धीरे धीरे चल के वो भी आ गई। वो अपनी बात है, अपना दुखड़ा रोने लगी, वो शायद मुस्लिम समाज की थी। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कि माता जी आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता। ये बातें मैंने उनसे की। उसके बाद में अवधेश जी के यहाँ आकर के शोक प्रकट करने के लिए वहाँ बैठ गया। माँ सीपी शर्मा भी मुझे मिले, मैं लगभग 15 मिनट बैठा हूँगा और 15 मिनट बाद जब मैं वहाँ से निकल करके अपनी गाड़ी में जाके बैठा, गाड़ी उसके दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी, ज़्यादा दूरी नहीं है, इतनी दूरी होगी ये दीवार और ये दीवार, ज़्यादा दूरी नहीं है। मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, रानू भी गाड़ी में आगे बैठ गए, मैं भी बैठ गया और मैं चलो भाई हमें खजुरिया जाना था एक गमी में, तो मैं भी खजुरिया चलो। एकदम वो आया और ये मोबाइल को खोल करके कि साहब आपने 151 में उन वो मुलजिमों को छुड़वा दिया, मुसलमानों को छुड़वा दिया, आप मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, बहुत जोर से चिल्लाया। अभी वो कैसे चिल्लाया वो भी दिखाते हैं आपको, वो भी शायद हमारे पास सब रिकॉर्ड है, वो शायद उसने खुद ही फेसबुक पर डाला था, 151 आपने छुड़वा दिया, आप मुसलमानों की मदद करने आए। सत्यता ये है, अगर कोई पुलिस का छोटे से अधिकारी सिपाही से लेकर के DGP तक ये कह दे कि मैंने किसी भी परिवार की कोई मदद की हो, मेरे संज्ञान में कुछ नहीं था, मदद तो मैं जब करता जब मेरे संज्ञान में आता। हाँ, चिराग ने जब मुझसे ये कहा था कि पापा इस तरह की बात होगी, तब मैंने कप्तान साहब से बात की, मैं कप्तान साहब ये प्रकरण है, मेरे बेटे को ले जा रहे हैं, मुझे कुछ शक लग रहा है, मुझे इसमें कुछ षड्यंत्र लग रहा है, मैंने उनसे कहा कि मेरे बेटे को वहाँ क्यों ले जा रहे हैं ये। तो बोले, उन्होंने कहा था कोई बात नहीं है, अब वहाँ शांति है, 3 लोगों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं और हम गार्ड वहाँ लगवा चुके हैं, तो मैंने गार्ड और वहाँ बढ़ा देना। मैंने किसी तरह के समझौते की बात न पुलिस से की और न उन दोनों पक्षों से की। अगर एक आदमी इस बात को सिद्ध कर दे कि मैंने समझौते की बात की थी या किसी का पक्षपात किया था, मैंने तो सिर्फ उसको ही कहा, मैंने कि भाई इनके इलाज के लिए कहीं आवश्यकता हो तो हम तैयार हैं भाई, हम तो समझ रहे थे आगरा में, हम तो सीमा उपाध्याय को फ़ोन किया था, उनको जाके देख लो, अच्छी जगह कहीं दिखवा दो। और उसके बाद हम तो चले गए, जाने के हमारे जाने के चंद सेकंडों के बाद जो तथाकथित नेते हैं चुटवैये हैं वो कुछ सेकंड के बाद ही पहुंच गए, मतलब वहीं कहीं घूम रहे थे वो, और सड़क थे बेचारे, चिराग आएगा उसे फंसाएंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि चिराग का पिताजी आ जाएगा इसलिए उसे नहीं फंसा पाओगे।
उनको ये संज्ञान में नहीं था। मैं चूंकि अपनी गाड़ी में बैठा था, मैं अगर गाड़ी में से उतर जाता तो मेरी रिपोर्ट मेरे खिलाफ भी हो जाती। मैं तो अपनी गाड़ी में बैठा था। ये जाकर के इन्होंने रानू पंडित ने मात्र इतना कहा है, अरे भैया बात तो सुन, बात क्या है, ये फेसबुक क्यों खोल रखा है, बात क्या है, बात बता दे। इन्होंने केवल इतनी सी बात कही है। और फिर जब वो बोले लाओ मिट्टी का तेल, लाओ पेट्रोल, लाओ कट्टी उठा लाया अंदर से, अरे मेरे चलो भाई जल्दी से यहाँ से आग लगा दो, मुसलमानों के घर में आग लगा दो और हिंदू के घर में आग लगा दो। अरे मैंने ये क्या कर रहा है। हम वहाँ से साहब भाग लिए और वहाँ से निकलते ही हमने इंस्पेक्टर मुरसान को फ़ोन किया, मेरे भाई यहाँ आकर के संभालो, मामला बिगड़ रहा है। और वहाँ पर जो गार्ड लगी हुई थी चार सिपाही थे, उनसे कहा भाई इनको संभालो, तो हम तो जा रहे हैं यहाँ से। हम तो निकल गए वहाँ से उन गार्डों को कह के चले गए। तो मेरा ये कहना है आपसे, ये षड्यंत्र करके एक आदमी जो पिछले 25 साल से लगातार, ये सब लोग जानते हैं, ये मुरसान ब्लॉक के रहने वाले हैं, ये सब लोग जानते हैं 25 साल से हमसे वो जीत नहीं पाए। उनकी जान बचाने के लिए, उनको कौन उस गांव में बसाने के लिए हम लोग गाजियाबाद से राजनीति में आए थे। हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। मेरे घर में तो कोई ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं है, लेकिन ये लोग सब गवाह हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा गए थे मेरे साथ, गाजियाबाद गए थे, मुझे लेके आए थे वहाँ से। उन्होंने षड्यंत्र, अब वो बनना चाहते हैं राजनेता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनेता ऐसे नहीं बनते कि कुछ चक्कर करके, षड्यंत्र करके, किसी को फंसा करके। अरे भाई तुम्हें मदद करनी थी, अगर वास्तव में तुम हिंदूवादी हो, वास्तव में तुम हितैषी हो, तो जो 151 में धारा में वो चालान उसका हुआ, आपको वो 307 में कन्वर्ट कराना चाहिए था और कराना चाहिए। मैं भी कहता हूँ पुलिस प्रशासन को, और उस महिला की आर्थिक मदद करनी चाहिए थी, उसको मेडिकल एड अच्छी देनी चाहिए थी, उसको और जितनी सुविधाएँ या सहूलत दे सकते हो वो देनी चाहिए थी। वो तो कुछ दी नहीं, केवल अपनी राजनीतिक द्वेष भावना निकालने के लिए रानू पंडित के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करा दी। मैं उन छोटे भैयों से कहना चाहता हूँ कि जब तक ये लोग, ये केवल एक गांव के ही हैं, ये 10 गांव के नहीं हैं, ये गारवगढ़ी न्याय पंचायत के लोग, गारवगढ़ी उसी में आती है सब लोग, 10-5 लोग इधर उधर होंगे, बिसुनदास में आता गारवगढ़ी, वहीं के सब लोग हैं। जब तक मेरे ऊपर इनका आशीर्वाद है, तब तक ऐसे छुटवाइए, मेरा और मेरे सुचिंतकों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी ले लें, पूरी जांच कर लें। चार सिपाही आपके वहां थे, पूरा गांव वहां है, मालूम कर लें। अगर रानू पंडित ने, अगर तू भी कहा हो रानू पंडित ने उसको कोई दुर्व्यवहार उसके साथ किया हो, मारपीट तो बहुत बड़ी बात है, कोई दुर्व्यवहार किया हो या गाली गलौज की हो, तो जो चाहे सो कार्रवाई करें, नहीं तो उसको FIR को, झूठी FIR को तत्काल ख़त्म करें। और जिन्होंने षड्यंत्र करके, दुर्भी संधि करके महेश से, और ये FIR रानू पंडित के खिलाफ लिखाई है, उसे ख़त्म कराएं। और FIR कराने वालों के खिलाफ 182 की कार्रवाई करें, और इस बात की भी जांच करें कि वहाँ मिट्टी का तेल कहाँ से आया, क्यों आया, पेट्रोल क्यों और कहाँ से क्यों आया, उसका उद्देश्य क्या था। जिला प्रशासन के पास सारी एजेंसियाँ हैं, सारी जांच एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस उनके पास है, IB उनके पास में है, लेखपाल से लेकर के सारे कर्मचारी उनके पास हैं, वो मालूम कर सकते हैं ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, क्या इनका प्लान था। अगर रामवीर उपाध्याय गया होता तो मेरे बेटे चिराग उपाध्याय को उन्होंने फंसा दिया होता। केवल षड्यंत्र मेरे पुत्र चिराग उपाध्याय को आ गए, वो उनसे बात करना चाहो तो आप बात कर सकते हो। कहाँ है चिराग उपाध्याय, आपको अगर कोई कुछ बात पूछनी हो तो पूछ लो मुझसे, पहले आप ही से बताएं। हाँ पूछ लो, बहुत लंबी हो गई है, जाएगी नहीं चैनल पर। अब यार कोई झूठ मैंने बोला नहीं, एक 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 शब्द सच बोला है मैंने, सच बोला है। शॉर्ट में करेंगे हम, 2 से 3 मिनट ऊपर रखें। मंत्री जी, कुछ लोगों द्वारा आपके सचिव रामू पंडित के खिलाफ FIR कराई गई है, क्या है मामला? मैं बहुत देर से आपको ब्रीफ कर रहा था, चूंकि मेरे बेटे चिराग उपाध्याय को
एक षड्यंत्र के तहत मेरे राजनीतिक विरोधी जो एक छुटवइये हैं, जो 25 साल से मुझसे चुनाव हारते चले आ रहे हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके श्री महेश जी के साथ में दुर्भी संधि करके उनको लालच दे करके ये झूठी FIR रानू पंडित के खिलाफ कराई है। कौन है ये छुटवइया नेता? अब आप समझ जाओगे इस बात को। छुटवइया नेता को पुलिस का एक कांस्टेबल से लेकर के कप्तान जानते हैं, सारे वही लीड कर रहा था, सबको सब जानते हैं, उसका मैं नाम लेना नहीं चाहता। पुलिस प्रशासन से मांगे कि जो झूठी FIR है उसे तत्काल तो खत्म करें और महिला का बहुत अच्छा इलाज कराएं, तत्काल मेडिकल एड उसको दें। FIR जो 151 में हुई है उसको तरमीम करें, जितनी चोट उनके लगी है, सर में चोट है, महेश के भाई के चोट है और उस महिला के भी चोट है, उसकी मम्मी के, उसे तरमीम करें, सख्त कानूनी कार्रवाई करें जिससे आगे इस तरह की कोई घटना हमारे जनपद में न हो। क्या ये नेता जो है हिंदू मुस्लिम विवाद कराने जा रहे थे? इसको विवाद तो उनमें कोई खास नहीं था, पड़ोसी जब होते हैं, पड़ोसियों में थोड़ी बहुत बातों पर कभी भी कहास नहीं हो जाती है, थोड़ी बहुत मारपीट भी हो जाती है, लेकिन वो सांप्रदायिक दंगा नहीं था। उसको सांप्रदायिक दंगा देने का प्रयास किया जा रहा था चिराग को बुला करके। ये प्लान था कि जैसे चिराग आएगा और हम जो मिट्टी का तेल और पेट्रोल उनके पास रखा है उसे डाल करके आग लगाएंगे दोनों तरफ से और चिराग को उसमें फंसाएंगे, ये प्लान था। अब कौन सी पार्टी जुड़े हुए भाई हमें ना पता, काहे जुड़े हुए ये नहीं मैं पता, क्योंकि सुनो हम बताते हैं, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, वो केवल रामवीर उपाध्याय के विरोधी हैं। और वो कैसे विरोधी हैं? अभी चुनाव हुआ था 2017 में, प्रीति चौधरी भारतीय जनता पार्टी से लड़ी थी, उनके गांव में अगर एक वोट पड़ा हो बीजेपी का, जब बीजेपी में थे वो, तो कहे कि बीजेपी में एक वोट पड़ा होगा मालूम कर लो। और कौन है आप सब जानते हो, मैं उसका आदमी ऐसे आदमी का नाम लेना नहीं चाहता। सदस्य बनना चाहते हैं जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत चुनाव, हाँ बस वही नाटक है। चिराग बताएंगे अब चिराग की सुन लो भाई, आजा भाई आजा, अब चिराग बताएंगे।